डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट क्लासेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। यहाँ हम क्या सीखेंगे? यहाँ सीखेंगे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है, उनका कॉमन नेम क्या होता है, यानी हम दोनों चीज़ देखेंगे, आइपिक नेम भी देखेंगे और हम कौन सा आइपिक नेम के साथ साथ हम इसके कॉमन नेम पे भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आपको पाना है ज्ञान, इसीलिए तो हम रखते हैं आपका ध्यान। तो चलिए शुरू करते हैं हम अल्कोहल का नोमेनक्लेचर। तो ये है अल्कोहल, इसका फंक्शनल ग्रुप, इसको आप पहचानिएगा कैसे, ROH से पहचानिएगा। अल्कोहल को और भी बोलते हैं अल्केनॉल्स। अल्केनॉल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसका हम आईपेक नोमेनक्लेचर करते हैं तो अल्क बताता है हमारे पास बर्ड रूट को, एन बताता है इसके प्राइमरी सफिक्स को, जो कि रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड अराउंड द कार्बन एटम्स, एंड ओएल रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी सफिक्स को। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स में नेम ओएल होता है। जनरल फार्मूला CnH2n प्लस OH होगा, क्योंकि जब तक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड नहीं होगा तब तक हम इसको अल्कोहल नहीं कहेंगे। इतना जो पार्ट यहाँ लिखा हुआ है ये एक्चुअली अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला है CnH2n प्लस 1। यदि होता CnH2n प्लस 2 तो वो हो जाता अल्केन का, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, इसीलिए यहाँ प्लस 2 न लिख करके प्लस 1 लिखा गया है। फंक्शनल ग्रुप का नाम है, आप इसको OH बार बार नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, हाइड्रोक्सिल। सेकेंडरी सफिक्स में इसका नाम क्या है अल्कोहल का, ओएल। कॉमन नेम इसका हो जाएगा, जैसे इसको बोलते हैं अल्काइल और ये हो जाएगा अल्कोहल, तो कॉमन नेम इसका अल्काइल अल्कोहल बोलेंगे। इसमें अल्क यहाँ रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ग्रुप को, कार्बन एटम्स को। आइपिक नेम में अल्क बर्ड रूट, एनी प्राइमरी सफिक्स और ओएल सेकेंडरी सफिक्स, और यहाँ ये भॉवेल है तो इससे पहले वाले भॉवेल आग यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो एक साथ जब लिखेंगे तो होगा क्या, अल्क एन ओएल अल्केनॉल। चलिए बारी बारी से एग्जांपल को हम देखते चलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास कौन सा, CH3OH। कितने कार्बन एटम का है, सिंगल कार्बन एटम का। कॉमन नेम में इसका नेम होता है अल्काइल अल्कोहल, अल्क के जगह पर सिंगल कार्बन एटम है तो इसका नाम लिख देंगे हम क्या, मिथाइल अल्कोहल, इसका ये कॉमन नेम होगा। आईपेक नेम सिंगल कार्बन एटम है तो बर्ड रूट में इसका होगा कौन, मिथ, सब जगह से सिंगल बॉन्ड तो एन, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के वजह से इसका हो जाएगा ओएल यानी मिथेनॉल। ये आईपेक नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। सेकंड, यदि दो कार्बन एटम का मेंबर हो तो दो कार्बन एटम का ये है तो इसको बोलेंगे हम क्या, इथ यानी इथाइल, और इसके वजह से हो जाएगा क्या, अल्कोहल। आईपेक नेम में इसका क्या हो जाएगा, टू कार्बन एटम है तो एथ, दोनों कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, और ये ओएल इथेनॉल। अब आ जाइए थ्री नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बीच में हम बात करें। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर देन टू यानी थ्री और मोर हो जाए तब हम क्या करते हैं कि कार्बन के लेंथ को काउंट करते हैं। काउंट करने के पीछे ये रीजन है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का दो दो पॉसिबिलिटीज है। पर ये पॉसिबिलिटी जो देख रहे हैं ये फर्स्ट कार्बन एटम से है, क्योंकि जिधर से फंक्शनल ग्रुप एडेड होगा उधर से ही हम कार्बन के चेन को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, ये रूल है। तो ये फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, तो थर्ड कार्बन एटम हो जाने की वजह से इसका जस्ट अब यहाँ देखिए अपोजिट ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आपको सेकंड कार्बन एटम पे एडेड है। आप इधर से चलिए तो 1 2 3, या इस साइड से आप काउंटिंग करिए तो 1 2 3, हर हाल में सेकंड नंबर के कार्बन एटम पे एडेड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखिए इन दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों में तीन ही कार्बन एटम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम सेम है, लेकिन पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिफरेंट है। तो जैसे ही पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिफरेंट होगा, जाहिर सी बात है कि इसका नाम भी, नेम भी, आईपेक नेम भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो इसका आईपेक नेम हो जाएगा, आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है थ्री, तो थ्री को हम लिखते हैं प्रो, इन तीनों कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, लेकिन फर्स्ट कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो लिखेंगे डैश 1, और सेकेंडरी सफिक्स में इसका नाम होता है ओएल। इसमें देखिए
इसमें आईपैक नेम में क्या लिखेंगे, इसके आईपैक नेम के लिए यहाँ जगह है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 यहाँ दिखा रहे हैं 3, इसके बाद देखिए 3 और तीनों कार्बन एटम के बीच में इन तीन सिंगल बॉन्ड AN सेकंड पोजीशन पे है, तो -2OL इसका आईपैक नेम हो गया। अब आ जाइए कॉमन नेम पे, कॉमन नेम में देखिए ये सीधा सीधा चेन है, सीधा सीधा चेन होता अल्केन होता तो हम एन प्रोपेन बोलते, और इसमें से एन प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है, हाइड्रोजन हटने की वजह से ये प्रोपाइल हो जाएगा, तो इसका नेम हो जाएगा एन प्रोपाइल, ये एन प्रोपाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। यही आप देखिए ये सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पर से हाइड्रोजन हटा है तब इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल, इस वजह से आइसो प्रोपाइल, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसलिए लिख देंगे अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है। आपको सबसे ज़्यादा आता है कौन सा, आईपैक नेम के बारे में, लेकिन कॉमन नेम भी लिखने आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जगहों पे आपको कॉमन नेम का ही यूज करने का मिल सकता है। तो चलिए अभी तक हम देख रहे थे वैसे अल्कोहल को कि जिसमें कार्बन एटम में केवल एक ही सिंगल अल्कोहल एडेड था, अब हम चर्चा करेंगे वैसे कंपाउंड्स के बारे में अल्कोहल का ही जिसमें एक एक चेन में दो दो अल्कोहल आपको मिलेगा, तब हम इसे कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहेंगे इसको, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो देखिए डाई का मतलब टू, हाइड्रिक यानी दो दो अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ये इसका कॉमन नेम जनरली यूज होता है पॉली मिथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं। जैसे देख लीजिए ये आप दो टू कार्बन एटम्स का ये अल्कोहल है, दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम पे OHOH एडेड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है। अब इसको आप काउंटिंग करिए 1 और 2, तो कॉमन नेम सबसे पहले देख लीजिए, इसमें दो दो CH2 है, आपको पता है कि कॉमन नेम में हम यूज करेंगे पॉलीमिथाइलिन, टू कार्बन एटम का है तो यहाँ लिखे हैं इथ यानी इथाइलिन, और का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब दो हो तो हम बोलते हैं ग्लाइकोल यानी इथाइलिन ग्लाइकोल, इसके कॉमन नेम पे आ जाइए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 को बोलते हैं प्रोप, बाईएलिन तो लगाएंगे ही तो प्रोपाइलिन, और का ये दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाने की वजह से ये हो गया ग्लाइकोल। सिमिलरली 3 कार्बन एटम्स का ये चेन है तो ये क्या बोले कि एक को हम बोलते हैं मिथाइलिन, एक को बोलते हैं मिथाइलिन, तो टोटल मिथाइलिन कितना हो गया आपके पास 3, तो हो गया ट्राई मिथाइलिन, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड होने की वजह से दो दो डाईहाइड्रोक्सी में डाईहाइड्रिक अल्कोहल वाले में हम ऐड करते हैं क्या ग्लाइकोल, तो ये इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल। अब आ जाइए इसके कौन से आईपैक नेम पे, आईपैक नेम लिखना ज़्यादा ही आसान है, एक ही रूल को फॉलो हम करते हैं, जैसे कौन सा देखते हैं कि बर्ड रूट कौन है, ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इन ए पेरेंट चेन, फिर देखते हैं कौन सा प्राइमरी सफिक्स देखते हैं, फिर देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स देखते हैं, इसके पहले आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, इसके पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, कोई ज़रूरी नहीं हो कि जितने भी कंपाउंड हो उसमें सारा का सारा चीज़ ये मिल ही जाए, लेकिन बर्ड रूट जरूर होगा, प्राइमरी सफिक्स जरूर होगा। अब डिपेंड करता है कि उसमें सेकेंडरी सफिक्स है कि नहीं, लेकिन अल्कोहल यहाँ पढ़ रहे हैं तो सेकेंडरी सफिक्स में इसका नाम होगा। अब आप यहाँ देखिए ये इसके काउंटिंग करना इसको ज़रूरी हो जाता है पिकने में, तो 1 और 2 कर दिए, चाहे आप इधर से भी काउंट करते तो 1 और 2, यानी फर्स्ट कार्बन एटम पे आपको हाइड्रोक्सिल मिल रहा है और सेकंड पे भी, इधर से भी देख रहे हैं तो फर्स्ट कार्बन एटम पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल रहा है और सेकंड कार्बन एटम पे ही, तो बर्ड रूट में आता है आपका कौन सा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए पेरेंट चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज हेयर इज 2, तो 2 को हम क्या लिखते हैं इथ लिखते हैं, तो इथ लिख दिए, दोनों पे क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये पहले लिखना होगा एन, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स में टाइप ऑफ बॉन्ड बताता है। अब देखिए डैश 1, 2 दोनों पे है तो आप 1, 2 डाई और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए क्या लिख दीजिएगा ओएल, तो इसका आईपैक नेम हो गया इथेन 1, 2 डाई ओएल। इस पर चलिए हम काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कोई फंक्शनल ग्रुप हमको नज़दीक में मिले, तो जाहिर सी बात है कि काउंटिंग हम इधर से ही करेंगे 1, 2, 3, इधर से काउंटिंग 1, 2, 3 यदि हम करते हैं तो देखिए इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो हमें फर्स्ट कार्बन एटम पे तो मिल ही गया है लेकिन इधर नहीं मिला है, फिर देखिए 2, 2 पे तो मिला, लेकिन इस साइड से जब हम चले
तो फर्स्ट पे मिला, सेकंड पे मिला, और इस तरफ से हम जब काउंटिंग करते हैं तो टू पे मिलता है, थ्री पे मिलता है। तो आप ये आप ही आप देख लीजिए, वन एंड टू पे मिला, इस तरफ से काउंट कर रहे हैं तो किस पे, टू एंड थ्री पे मिला। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में आ रहा है क्या, कि पहले जहाँ से मिले उसी को हम सेलेक्ट करेंगे, उसी तरफ से काउंटिंग को, दूसरे को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो काउंटिंग हमारा इस साइड से होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, सॉरी राइट टू लेफ्ट होगा। अब इसका आईपैक नेम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बोनेटम आप यहाँ कितना देख रहे हैं, थ्री, थ्री के वजह से आप लिखिएगा प्रोप। इन तीनों कार्बोनेटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, आप हाइड्रोजन को काउंट करके देख सकते हैं। तो ए एन और फर्स्ट पे है, और सेकंड पे है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो डैश वन कॉमा टू और डाई ऑयल लिख देंगे। ये इसका ये हो गया आईपैक नेम। अभी हम चर्चा कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। वह यानी वैसा अल्कोहल का ग्रुप जिसमें दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, एडेड है। कॉमन नेम हम देख चुके थे, अब इसका हम देख रहे हैं कौन सा, अब इसका देख रहे हैं हम आईपैक नेम। तो चलिए आईपैक नेम इसकी हम चर्चा कर लें। आईपैक नेम में देखिए काउंटिंग, आप दोनों तरफ से काउंटिंग कर सकते हैं, इस तरफ से चाहे इस तरफ से, इधर से भी कर लीजिए। वन टू थ्री, आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप वन पे मिल रहा है और यहाँ थ्री पे मिल रहा है, और नीचे से काउंटिंग करते हैं तो आपको वन पे भी मिल रहा है और थ्री पे मिल रहा है। तो आप इस तरफ से काउंट करिए इसके पेरेंट चेन को, या इस तरफ से, दोनों सही है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में कितना मिल गया, थ्री, थ्री को क्या बोलते हैं, प्रोप। इन तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ए एन यानी ये हो गया बर्ड रूट, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। फिर सेकेंडरी सफिक्स में आता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन एटम पे है और थ्री पे है, तो डैश वन कॉमा हम थ्री लिख देंगे, दो दो था तो लिख देंगे डाई ओ एल, इसका हो गया कौन सा, ये आईपैक नेम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, ये पॉलीहाइड्रिक ये अल्कोहल है, मोर देन टू आ गया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ आप इसका देखिए, ये कॉमन नेम इसका बहुत ही फेमस कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। आप याद कैसे रखिएगा, जब तीन कार्बन एटम हो और तीनों कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, और इन तीनों कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो, एडेड हो, यानी थ्री कार्बन एटम्स एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो और तीनों कार्बन एटम के पास एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तब उसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। फेमस नाम इसका, फेमस नेम है, ग्लिसरीन भी हम कहते हैं। आईपैक नेम पे आ जाइए, वन टू थ्री, पूरा पेरेंट चेन में कितना आ गया, थ्री कार्बन एटम, तो आप क्या लिखिएगा, प्रोप, और तीन तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ए एन कार्बन के टेट्रा वैलेंसी को ध्यान में रख करके आप कर लीजिए। डैश वन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, टू पे भी है और थ्री पे है, टोटल हो गया कितना, थ्री, तो थ्री ऑयल, ट्राई ऑयल, इसका ये हो जाएगा कॉमन नेम, लेकिन ये बहुत फेमस है आपको ग्लिसरॉल के नाम से। और यदि दो टू कार्बन एटम का होता तो ग्लाइकोल, बार बार ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, देखिए दो कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो और दोनों पे ओएच ओएच हो, तब इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोल। और वन टू थ्री कार्बन एटम हो और तीनों पे, तीनों सिंगल सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो और तीनों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड हो, तब इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। और इम्पॉर्टेंट है इसको, और भी दूसरा नाम आप ही आपने देखा कि क्या बोले हम, ग्लिसरीन बोले हैं, ठीक है। ध्यान में रखने के लिए हाइड्रोजन, यहाँ देखिए कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, तो वन टू, तो यहाँ दो हाइड्रोजन दे देंगे, यहाँ भी टू हाइड्रोजन दे देंगे, तो ग्लाइकोल का ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर आप मिल गया। इसको हम इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोलते हैं अच्छे से, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसमें देखिए सी एच टू, यहाँ सी एच क्यों, वन टू थ्री ए फोर हो गया, ये सी एच टू, इसको ग्लिसरॉल नाम है, ठीक है। ये बहुत फेमस नाम है और ये बार बार आपको ग्लिसरॉल ग्लाइकोल आपको आता रहेगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए अल्कोहल के बाद हम लोग अब बात कर रहे हैं ईथर पे। ईथर का जैसे ही डिस्कवरी हुआ था तो मेडिकल साइंस में काफ़ी डेवलपमेंट आया था, और बेहोश करने के लिए सबसे पहले इसी का यूज किया जाता था, लेकिन जब कोई होश में आता है तो अनप्लीजेंट रिकवरी होता था, बहुत अनसंड बकता है लोग, इथर जब ले लेता है तो सूंघ लेता है तो। लेकिन सर्जरी के फील्ड में इसके डेवलपमेंट हो जाने से सर्जरी जो हुआ जो आसान हो पाया, साथ साथ में आप यहाँ देखिए क्या कि अब तो इथर का यूज ज़्यादातर नहीं होता है, नहीं तो इससे पहले जब इथर का यूज नहीं हो रहा था तो इससे पहले लोगों को जब ऑपरेशन किया जाता था तो खटिया पे बांध दिया जाता था, फिर पेट फाड़ा जाता था,
चिल्लाता होगा, आधा लोग ऑपरेशन नहीं कराता था डर से, तो ईथर। चलिए इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लाइफ को कैसे चेंज किया है, यानी पूरा केमिस्ट्री हमारे जीवन को क्या किया है, एक चेंज कर करके रखा है। आप जहाँ कहीं भी आप नज़र डालिए सब जगह ऑर्गेनिक है, इवन आपका बॉडी भी पूरा ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो जनरल फार्मूला इसका होता है ROR- क्यों लिखे हैं, हो सकता है कि कभी कभी ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप दोनों सेम हो सकता है कि दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो इसलिए लिख दिए हैं R-, यानी दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। नीचे चर्चा की है कि जब इथर आप पहचानिएगा कि बीच में ऑक्सीजन है, दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप एडेड हो या एराइल हो, कहलाएगा इथर। देखिए जब दोनों सेम होगा तो कहलाएगा आपको सिंपल इथर, लेकिन दोनों डिफरेंट हो जाएगा तो कहलाएगा मिक्स्ड इथर, क्योंकि इधर अलग इधर डिफरेंट। कैसे, मान लीजिए कि ये सिंगल कार्बन एटम का है और ये दो कार्बन एटम का है तो मिक्स्ड इथर, लेकिन दोनों तरफ दो दो कार्बन एटम का ये अल्काइल ग्रुप हो गया तो वो हो गया सिंपल इथर। फंक्शनल ग्रुप इसको पहचानेंगे -O-, सेकेंडरी सब प्रीफिक्स में इसका नेम होता है अल्कोक्सी, ध्यान रखिएगा सफिक्स में नहीं प्रीफिक्स में, यही लोग चूक कर जाते हैं। ईथर एक ऐसा है जिसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स में इसका नाम यूज होगा, कौन सा, अल्कोक्सी, सफिक्स में यूज नहीं होगा। यहाँ अब देखिए बारी बारी से इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब है कि पहले लगेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए ये अल्क बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स यानी ANE, तो यानी पेरेंट चेन यानी बर्ड रूट, ये हो गया कौन सा, बर्ड रूट। बर्ड रूट में कौन आता है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, ANE का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी हम कह सकते हैं वन डिग्री सफिक्स, और प्रीफिक्स पहले आता है, तो यहाँ जो अल्क है अल्कोक्सी है ये प्रीफिक्स है, कैसा प्रीफिक्स है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये सब आप नहीं समझ रहे होंगे तो हमारा पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा जहाँ से हमने सबसे पहले नोमेनक्लेचर की शुरुआत किया है, वहाँ डिटेल में मैंने बताया कि बर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सबों के बारे में मैंने डिटेल में बात की है। तो ये देखिए ये जो साइड चेन है ये अल्क जो बताएगा कि कार्बन एटम्स को ऑक्सीजन के वजह से शॉर्ट चेन होगा, लंबा चेन पेरेंट चेन में जाएगा जो कि बर्ड रूट में होगा ऑफ कार्बन एटम्स। अब यहाँ देख लेते हैं, हम सब पूरा का पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखिए इसको पहले हम ये कर लें, थोड़ा क्लीन कर लें, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझिए। देखिए कॉमन नेम, ये तो इथर ठहरा ऑक्सीजन, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, तो कितना मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 को क्या कहते हैं, डाई, तो डाई मिथाइल इथर, बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए इधर है इथाइल, सॉरी इधर है मिथाइल और इधर 2 कार्बन एटम का इथाइल, तो ये ई से शुरू हो रहा है और ये एम से, अल्फाबेटिकल रूल यहाँ फॉलो करेंगे तो पहले लिख देंगे इथाइल। क्यों लिखे इथाइल, क्योंकि ई से स्टार्ट हुआ है, इसलिए नहीं लिखे कि लंबा चेन है, नहीं, ई से अल्फाबेटिकली, फिर लिखेंगे क्या, मिथाइल, और तब लिख देंगे क्या, इथर ऑक्सीजन के वजह से। अब यहाँ देखिए यहाँ भी इथाइल है और यहाँ भी इथाइल है, तो ये तो सीधा सीधा लिख देंगे डाई इथाइल इथर, डाई इथाइल इथर। आ जाइए इसके कौन से, अब इसके हम आईपेक नेम पे आ जाते हैं। चलिए आईपेक नेम भी बहुत आसान है, आपको पता है कि जहाँ कहीं भी ये आ जाए तो इसका प्रीफिक्स आता है अल्कोक्सी, अल्कोक्सी, तो अल्कोक्सी तभी हम कहेंगे जब -OR हो तब अल्कोक्सी कहेंगे, अदरवाइज हम अल्कोक्सी नहीं कहेंगे। तो जो ऑक्सीजन के साथ आएगा, तो देखिए तब यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ दो दो कार्बन एटम है, तो कोई पेरेंट चेन में कोई एक ही आएगा, क्योंकि काउंटिंग तो यहाँ से होगा नहीं, 1 2 3 ऐसे नहीं करेंगे, बीच में ऑक्सीजन है ये गड़बड़ा दिया, तो पेरेंट चेन में कोई एक आएगा, तो पेरेंट चेन में किसी एक को लीजिए, तो दोनों बराबर ही है, तो हम क्या करते हैं कि इसको ले लेते हैं पेरेंट चेन में और इसको कर देते हैं अल्कोक्सी, क्योंकि प्रीफिक्स में आता है, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है, और जो ये है बर्ड रूट में आ जाएगा, बराबर बराबर आ गया है तो बर्ड रूट में आ जाएगा, तो बर्ड रूट में कितना कार्बन एटम है, सिंगल कार्बन एटम, तो लिख देंगे मिथ,
सराउंडिंग में इसका देखिए CH3 है और इधर भी सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे AnE। और अब देखिए अल्कोक्सी, अल्क में आपके पास कितने कार्बन एटम है, सिंगल कार्बन एटम, प्रीफिक्स में आता है तो मेथ, और ऑक्सीजन है तो लगा देंगे क्या ऑक्सी, और सबको एक साथ मिला करके लिख देंगे तो मिथॉक्सी मिथेन इसका नेम हो गया। क्लियर। अब मिथॉक्सी मिथेन को जरा हम साफ से लिख दें फिर आपको तोड़ करके हम बताएं कि मिथॉक्स, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मिथेन, मिथेन मिथॉक्सी का मतलब हो गया CH3O मिथॉक्सी, और मिथेन का मतलब हो गया कि सिंगल कार्बन एटम और इसके चारों तरफ से सिंग हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देंगे, सिंगल बॉन्ड है तो। अब चलिए सेकंड वाले में और ज़्यादा क्लियर आपका हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा ध्यान देखिए सेकंड वाले को। सेकंड वाले में दो दो कार्बन एटम है, एक तरफ टू कार्बन एटम है एक तरफ सिंगल कार्बन एटम है, तो जो लंबा कार्बन एटम है ये जाएगा बट रूट में, और जो सिंगल कार्बन एटम ये जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, समझ गए। यानी जो जिसमें कार्बन का लेंथ कम होगा वो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। आप याद रखिएगा जब बराबर बराबर हो जाए तो एक को इधर दे दीजिएगा को ऑक्सीजन के साथ दे दीजिए, लेकिन जब कार्बन एटम जिस जब ऑक्सीजन के साथ कम हो तो वो ऑक्सीजन के साथ जाएगा, जो बड़ा वाला नहीं जाएगा, बड़ा वाला बट रूट में चला जाएगा। तो बट रूट में यहाँ टू कार्बन एटम है तो आप लिख दीजिएगा इथ, इन दोनों कार्बन एटम के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड तो AnE, यहाँ ऑक्सीजन के साथ एक ही कार्बन एटम है तो एक को बोलते थे मिथ यानी अल्कोक्सी, जब हम तोड़ेंगे तब यहाँ CH3O को हम क्या बोलेंगे, इसी पैटर्न पे तो है RO ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, वो R को बोलते हैं अल्कोक्सी, अल्कोक्सी अल के जगह पर यहाँ कितना कार्बन एटम है सिंगल तो मिथ, और ऑक्सीजन की वजह से इसको हम क्या कर देंगे ऑक्सीजन लिख देंगे ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, और ये इम्पॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखिएगा। और अल्कोक्सी जो है ये जो आगे वाला जो पार्ट है ये यूज हो रहा है 2 डिग्री प्रीफिक्स में, बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब नीचे का जो एग्जांपल है इसमें क्या हुआ कि इस कंडीशन में दोनों में सेम सेम ऑक्सीजन की सिमेट्रिकल इथर है, ठीक है, और सिंपल इथर है, लेकिन ये सिंपल इथर नहीं था, ये था कैसा मिक्स्ड इथर था। मिक्स्ड इथर कहने का मतलब कि एक तरफ एक कार्बन एटम और एक तरफ दो दो कार्बन एटम था, यानी आर ओ आर डैश हो गया, दोनों अलग अलग हो गया, तो ये मिक्स्ड इथर हो गया। लेकिन यहाँ देखिए अल्काइल ग्रुप जितना लेंथ का लेफ्ट साइड है उतना ही राइट साइड है, यानी यहाँ कंडीशन आ गया आर ओ आर का, यानी दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, तो सेम हो जाने की वजह से ये हो जाएगा आपका कौन सा इथर हो जाएगा, सिंपल इथर हो जाएगा। चलिए अब इसमें एक जाएगा बर्ड रूट में और एक जाएगा प्रीफिक्स में, 2 डिग्री प्रीफिक्स में, यानी अल्कोक्सी। अल्कोक्सी में जब दो कार्बन एटम है तो दो कार्बन एटम है तो आप लिखिए इथ और इथॉक्सी, 2 डिग्री प्रीफिक्स, बर्ड रूट में 2 कार्बन एटम है तो आप लिखिएगा इथ, इन दोनों कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AnE, ये हो गया इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन जब आप लिखा रहेगा तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा इथ, तो दो कार्बन एटम कर दिए, AnE कन्फर्म हो गया कि दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब आगे लिखा हुआ है इथॉक्सी, यानी ऑक्सीजन जाएगा कि जिसके साथ जिसके पास कितना हो, दो कार्बन एटम ऑलरेडी हो तो दो कार्बन एटम कर दिए। अब इसको को सेटिस्फाई करिए CH3 CH2 CH2 CH3, देखिए इससे भी हम पकड़ लिए इथ एन इथॉक्सी इथेन, क्लियर है। कभी कभी आपको क्या होगा कि नेम देगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहेगा, स्ट्रक्चर देगा नेम लिखने के लिए कहेगा, ठीक है। तो पूरे परफेक्शन यदि पाना है तो हमसे जुड़े रहिए, और यदि हमसे आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में पर्सनल पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 915x5, बहुत ईजी है याद रखना, और 440। मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह। आप हमें कॉल कर करके टाइम ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हम पढ़ाने के लिए रेडी हैं। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। तो ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ साथ हमने क्या देखा, इथर के बारे में देखा, इथर पूरा यहाँ फिनिश हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे चलिए बात करते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो देखिए अब अल्कोहल इथर के बाद, जैसा कि हम आपको इंट्रोडक्शन में ही बताए थे कि डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम यहाँ क्या करने वाले हैं,
नॉमिनक्लेचर करने वाले हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं। तो अल्कोहल के बाद आया ईथर, ईथर के बाद कार्बोजालिक एसिड, कार्बोजालिक के बाद फॉर्मल्डिहाइड बात करेंगे, ऐसे ही हम लास्ट तक बात करते रहेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में, फिर मैंने बात फिर मैंने बात किया है एसिड के बारे में, अल्काइल हैलाइड्स के बारे में, उसमें भी अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन किया है, एलाइल हैलाइड, प्रोपरगाइल हैलाइड। तो आप इससे पहले वाले भी वीडियो एक, यदि आप हमारे वीडियो को सीक्वेंस में आप देखते हैं तो आपको नोमेनक्लेचर में कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है, और बहुत ईजी मेथड से बताए हैं, ज़्यादा बिना ताम झाम का बहुत ही सटीक। और इसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराऊँगा दे दे करके प्रॉब्लम, और इस तरीके से आप किसी तरीके के नोमेनक्लेचर को सॉल्व कर पाएंगे। नोमेनक्लेचर रीड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यदि आपका नोमेनक्लेचर सही हो गया तो आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। नोमेनक्लेचर ही नहीं सही, नाम ही नहीं समझिएगा तो आपको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगा, और कहीं भी प्रॉब्लम आएगा तो हमसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है कार्बोजालिक एसिड, इसका जनरल फार्मूला होता है, आपका जनरल फार्मूला में ऐसे लिख सकते हैं RC OH। अब आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप को तो हम लिखते हैं CnH2n+1, और COOH इसका कौन हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप जो COOH है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फिर OH होता है, और ये हो गया अल्काइल ग्रुप। कार्बोजालिक एसिड में देखिए ये कार्बोनील ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो कार्बोनील ग्रुप से एक वर्ड आ गया कौन सा, कार्बो, और हाइड्रोक्सिल वाला से आ गया XYLIC, ठीक है। तो दोनों मिलकर के बना दिया कौन सा, कार्बोजालिक, और इसका नेचर एसिडिक है तो हो गया कौन सा, कार्बोजालिक एसिड्स, या इसको सिंपली लिखेंगे RCOOH। बहुत सारे स्टूडेंट ये इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाएगा, होता भी है इसमें, इसमें एक्चुअली होता है ये कार्बोनील ग्रुप, ये कार्बोनील कार्बोनेट हम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनील ऑक्सीजन। इन सब शब्दों को समझिए, इसको याद भी रखिए, कार्बोनील कार्बोनेटम, कार्बोनील ऑक्सीजन, और पूरे को कार्बोनील ग्रुप, ये हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों मिला तो हो गया कार्बोजालिक एसिड, शॉर्ट में लिख देते हैं RCOOH। आर बताता है अल्काइल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आ गया, फंक्शनल ग्रुप जहाँ COOH लिखा रहे आप उसको बोलिए कार्बोक्सिल। ये बहुत सीनियर होता है, सीनियरिटी टेबल एक पढ़ाएंगे, सीनियरिटी टेबल में ये सबसे पहले पायदान पे है। NCERT ने कुछ उल्टा सीधा किया है, सल्फोनिक एसिड को ऊपर और कार्बोजालिक एसिड को नीचे, लेकिन एक्चुअली कार्बोजालिक एसिड ऊपर होगा, हम लोग कार्बोजालिक एसिड को ऊपर ही पढ़ाते हैं सबसे फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये हो जाएगा कौन सा, सेकेंडरी सफिक्स, यानी 2 डिग्री सफिक्स में इसका नेम हो जाता है ओइक एसिड। नेम कैसे होगा, अब अल्काइल ग्रुप है ही तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा, इसके जो फंक्शनल ग्रुप में जो नंबर ऑफ जो कार्बन होते हैं वो खुद इसमें काउंट होते हैं। तो अल्क AN ओइक और एसिड, ये वोवेल ठहरा तो ये अपने प्रोसीडिंग आने वाले वोवेल्स को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, तो इसका नाम हो जाएगा अल्केन ओइक एसिड, ये रिप्लेस करेंगे। कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू दी सोर्स हम पढ़ेंगे कि कहाँ से ये कार्बोजालिक एसिड मिला, उसके अकॉर्डिंग इसका नेम होगा सोर्स के अकॉर्डिंग। चलिए बारी बारी से अब हम सबों के बारे में पढ़ते चलें, इन सबों को ध्यान में रखना होगा। चलिए आप यहाँ देखिए, ये सिंगल कार्बन एटम का है, सिंगल कार्बन एटम को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये 2-2 कार्बन एटम का है तो बोलते हैं एसिटिक एसिड, विनेगर। 3 कार्बन एटम का है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। और एसिड के बारे में हम चर्चा करते हैं, एक चैप्टर पढ़ाते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोजालिक एसिड, वहाँ भी इसकी चर्चा करेंगे और भी बारी बारी से आता जाएगा। अभी केवल हमें समझाना है कि फंक्शनल ग्रुप को देखिए, पहचानिए कहाँ आएगा। जैसे इथर आ रहा था किस चीज़ में, 2 डिग्री प्रीफिक्स में, लेकिन वही कार्बोजालिक एसिड का जो यूज होता है 2 डिग्री सफिक्स में, देखिए आपको ध्यान में रखना होगा सिंगल कार्बन एटम है तो इसके आपको बताया था कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को हम पेरेंट चेन में यहाँ काउंट करते हैं। तो काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा मिथ,
सब जगह सिंगल बॉन्ड तो AN, और आपको पता है कि इसके वजह से लगाते हैं हम क्या, ओइक और थोड़ा सा स्पेस देकर लिखते हैं एसिड, मिथेनोइक एसिड। टू कार्बन एटम है, ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस फंक्शन ग्रुप का जो कार्बन एटम होगा वो काउंट होगा, तो वन एंड टू, तो आप लिखिएगा इथ AN ओइक और लगा दीजिएगा एसिड, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स के लिए। थ्री कार्बन एटम का है तो आप ही बताइए, यहाँ से काउंट करिएगा वन टू थ्री, क्योंकि ये सीनियर है, कार्बन कंटेनिंग है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप की शुरुआत हो वहीं से काउंट करेंगे। थ्री कार्बन एटम है तो प्रोब, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड AN, फिर ओइक वर्ड लगाते हैं और एसिड। ओइक एसिड क्यों लगाए, इसके वजह से लगाए। अब आ जाइए कौन सा, और यहाँ ध्यान रखिएगा जब सिंगल कार्बन एटम होगा तो फॉर्म, टू कार्बन एटम होगा तो एसिड, क्लियर। ऐसे तो इसका सोर्स पे ही नाम है। अब आ जाइए नेक्स्ट, जो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम पहचानते हैं RCHO से, एक्चुअली इसमें भी एक कार्बोनिल ग्रुप है लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जगह पर केवल कौन है, हाइड्रोजन है, और ये अल्काइल ग्रुप है। हर हाल में आपको कार्बोजैलिक एसिड या एल्डिहाइड चेन के अंतिम में होगा, तो चेन के अंतिम में होगा लेकिन काउंटिंग वहीं से शुरू होगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड इसका इसके भी जो कार्बन एटम है वो काउंट किए जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इधर से इधर हम काउंट करेंगे, क्योंकि शुरुआत इसी से होगी। क्यों इससे होगी, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इस वजह से अल्क में जाएगा बट रूट, इन ए कार्बन और ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस वजह से AN, और एल्डिहाइड को हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स में AL, तो AN है, ऐसे ऐसे ही है, ठीक है। आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का क्या होता है, CnH2n+1 और ये एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप COH एल्डिहाइड, सेकेंडरी सफिक्स में नेम AL, अभी चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए एसिटिक एसिड है, इसमें से एक एसिड हम हटाएंगे, एल्डिहाइड को जोड़ देंगे कॉमन नेम में, तो एसिटाल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। सिमिलरली आईपैक नेम में आपको बता चुके हैं, बट रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स अल्केनल। बारी बारी से चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सिंगल कार्बन एटम का एल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड, टू कार्बन एटम का है एसिटाल्डिहाइड, थ्री कार्बन एटम का है प्रोपियोनल्डिहाइड, कॉमन नेम फिनिश। सिंगल कार्बन एटम का है, इसको तो पेरेंट चेन में काउंट करेंगे ही, तो मेथ सिंगल बॉन्ड AN, एल्डिहाइड के वजह से हम इसका सेकेंडरी सफिक्स AL लिखते हैं, तो ये हो गया मिथेनल। वन एंड टू, टू कार्बन एटम तो एथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो AN, और CHO के वजह से लिखेंगे AL, इथेनल। वन टू थ्री, इधर से ही काउंटिंग किए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यही है, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो इंक्लूड करेंगे इसको। थ्री कार्बन एटम है तो लिखेंगे प्रोप, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड AL और ये AnL, प्रोपेनल। अब एल्डिहाइड के बाद हम बात करेंगे किस चीज़ पे, कीटोन्स पे, ठीक है। कीटोन्स पे देखिए, कीटोन का नाम, कीटोन पहचानेंगे कैसे, देखिए लोग ईथर और कीटोन में परेशान होते हैं, ये ईथर होता है एक्चुअली, लेकिन कीटोन कब होता है, बीच में कार्बोनिल ग्रुप और दोनों से तरफ से अल्काइल ग्रुप, ये कीटोन, और दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप और बीच में ऑक्सीजन, तो ईथर, और बीच में कार्बोनिल ग्रुप और दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, तब होता है कौन सा, कीटोन। जैसे ईथर में होता था दोनों दोनों तरफ यदि सिंपल हो गया सेम टाइप तो सिंपल ईथर, दोनों तरफ डिफरेंट हो गया तो मिक्स्ड ईथर, सिमिलरली दोनों तरफ सेम हो तो सिंपल कीटोन, दोनों तरफ अलग अलग हो जाएगा मिक्स्ड कीटोन, आसान है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, कीटोन इसको हम बोलेंगे, टोटल काउंट करेंगे अल्क AN, और इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा ONE, पूरे कार्बन को काउंट किया जाएगा, देखिए इंक्लूडिंग दिस फंक्शनल ग्रुप, ये चेन में ही कार्बन है, इधर कार्बन होगा तो यहाँ भी कार्बन ही है और ये भी कार्बन है, तो टोटल को हम काउंट करेंगे। अब आप यहाँ देखिए, दोनों यदि सेम हो अल्काइल ग्रुप तो सिंपल कीटोन, दोनों डिफरेंट हो गया तो मिक्स्ड कीटोन, फंक्शनल ग्रुप CO से पहचानेंगे, कीटोन्स में केवल ऑक्सीजन होता तो वो हो जाता ईथर,
सेकेंडरी सफिक्स में इसका नाम हो जाता है ओएन। क्लियर। अब आईपेक नेम, आईपेक नेम में इसका क्या क्या हो जाएगा, जैसा कि पूरा कार्बन के लेंथ को आप काउंट करिए, काउंट करिएगा तो वो जाएगा अल्क में। सबों कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा आपका सिंगल बॉन्ड, तो ए एन ई, और सेकेंडरी सफिक्स में आएगा ओ एन ई कीटोन की वजह से। लेकिन यहाँ भॉवेल है और ये भी भॉवेल, अपने से पहले वाले भॉवेल को हटाना पड़ेगा, तो बर्ड रूट अल्क, प्राइमरी सफिक्स ए एन और सेकेंडरी सफिक्स ओ एन ई। क्लियर। अब देखिए इसको काउंट करिए, देखिए इस कार्बन, ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम सभी कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे, 1 2 3। इसको क्यों काउंट किए, इस वजह से काउंट किए हैं क्योंकि ये चेन में ही है और कार्बन कंटेनिंग है, इस वजह से काउंट किए। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं CH3, इसको एक साथ कंप्रेस करके CO और CH3। आपको दिमाग लगाना होगा कि ये एक्चुअली ना एक दूसरे से बॉन्डेड है, ऐसे लिखा रहेगा तो ये मत समझ जाइएगा कि बीच में ऑक्सीजन आ गया। तो जिसका जितना तेज नज़र उसका ऑर्गेनिक उतना ही अच्छा, जैसे अरिथमेटिक में होता है जिसका तेज नज़र उसका कैलकुलेशन अच्छा। तो अपना अपनी नज़र को तेज रखिए, नहीं तेज रख हो रहा है मिलिए हमसे, कांटेक्ट करिए 9 1 5 4 4 0 मुकेश कुमार सिंह। ठीक है। अब देखिए कॉमन नेम, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल इसके वजह से कीटोन। फेमस नेम है, दो कार्बन एटम का है एसीटोन, फेमस नेम है। आईपेक नेम में देखिए टोटल काउंट करिए, आईपेक में तो पूरा लंबा चेन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कौन सा प्रोप, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो एन, और कीटोन का जो सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको तो पता ही है कि ओ एन ही, तो एन ही ऐड कर लीजिए। यहाँ देखिए इसका कॉमन नेम पहले देख लीजिए, इधर इथाइल इधर मिथाइल, आपको पता है कि अल्फाबेटिकली ई पहले लिखेंगे तब एम लिखेंगे, इसलिए इथाइल मिथाइल, और इसके वजह से लिखेंगे क्या कीटोन, इसके वजह से क्या लिखेंगे कीटोन। क्लियर हो गया, इसके वजह से लिखेंगे हम कीटोन। फिर आप नीचे देखिए इसका आईपेक नेम कैसे लिखेंगे, देखिए पॉसिबिलिटी दो है, इधर से काउंट करते हैं तो सेकंड को मिलता है फंक्शनल ग्रुप 3 4, लेकिन इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 पे मिलेगा ये 4। तो आपको जाहिर सी बात है कि इधर से आपको काउंटिंग नहीं करना है क्योंकि तीसरा पोजीशन पे मिल रहा है, आप इधर से काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे तो अब देखिए बर्ड रूट में यहाँ देखिए और कोई है ही नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 4, तो आप लिखेंगे ब्यूट। इन चारों कार्बन एटम के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा होगा, ऑक्सीजन पे यहाँ नजर, हम कार्बन कार्बन के बीच में बोल रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में नहीं, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो एन और सेकेंड पोजिशन पर है, यहाँ जब मोर देन 3 कार्बन एटम आना शुरू हो जाएगा तो पोजीशन लिखिएगा, तो -2 सेकंड वाले पे ये कार्बन एटम पे कीटोन है, तो -2 वाली। ठीक है। अब आ जाइए इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, तो कॉमन नेम डाईथाइल, इसके वजह से कीटोन। क्लियर। कॉमन नेम में कोई तकलीफ नहीं, कॉमन नेम का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए उतना ही आपके ज्ञान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आईपेक नेम, आप इधर से काउंट करिए 1 2 3 4 5, इधर से काउंट कर रहे हैं तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से काउंट कर रहे हैं तो भी 3 नंबर पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप किधर से भी ले सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, तो पेंट लिखिए, इन पांचों के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो एन। फिर आपको याद दिला दें कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में नज़र नहीं देना है, इसके पोजिशन को आप लिखेंगे -3 ONE, ये हो गया कीटोन, पेंटेन 3 ONE। अब आपको ऐसा लिखा रहेगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा, गौर से देखिए, पेंट देखिए, पहले पेंट को पकड़िए, यानी 5 कार्बन एटम 1 2 3 4 5, कराई एन, यानी तीनों पांचों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तब नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5, करा 3 पर ONE है, 3 पर ONE, ऐसे ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, बाकी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। सेटिस्फाई करना तो आपको पता ही है कि कैसे करते हैं, तो कर दिए। चलिए ये हो गया स्ट्रक्चर, आपको ये नेम दिया रहेगा तो स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो नेम लिख सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, एक एक पॉइंट को सिखा देंगे बिना शोर शराबा के। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कौन सा, एसिड क्लोराइड। देखिए एसिड क्लोराइड ये जो है हमारे पास, एसिड क्लोराइड एसिड अनहाइड्राइड
वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको हम थर्ड सेगमेंट वाले वीडियो में एसिड क्लोराइड, एसिड अनहाइड्राइड और भी जो बचा हुआ जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में बात करेंगे, साथ में पॉली फंक्शनल ग्रुप के बारे में, सीनियरिटी टेबल के बारे में, बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम बात आप लोगों के साथ करने वाले हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, बोरिंग हो जाएगा, इस वजह से यहाँ छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस पर और फिर आप लोगों को ऐसे ही हम ज्ञान देने का काम करते रहेंगे। यहाँ तक यदि पहुँच चुके हैं, हमारी बातों से सेटिस्फाइड हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, दोस्तों के बीच में भी बताएं कि जिससे कि ज्ञान का प्रकाश हर तरफ एक तेज़ी से फैले। और केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम बात करेंगे, मोल पे, ग्राम इक्विवेलेंट पे, इक्विवेलेंट वेट पे, न्यूमेरिकल पे, हर तरीके पे हम बात करने में सक्षम हैं। तो चलिए इतना ही से हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहें। थैंक यू।